हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही यादों में सोना मैं पाऊं। राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे सूजी और आलू का नाश्ता। पहले हम सूजी को भिगाएंगे। यहाँ पे हमने 1.5 कटोरी सूजी लिया है, एक बड़े बर्तन से डालेंगे। 1.5 कटोरी सूजी लिए हैं, उसमें 1 कटोरी दही मिलाएंगे। कटोरी से 2 कटोरी पानी डालेंगे, उसमें 1 कटोरी दही डालने के बाद 2 कटोरी पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे इसे। इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसे हम मिलाएंगे, मिला के इसे एक साइड रख देंगे। इधर हम आलू लिए हैं, इसे हम भूनेंगे। यहाँ पे हमने कढ़ाई गरम कर ली है, इसमें तेल डालेंगे। ऊपर से कढ़ाई गरम हो गई है, तेल डालेंगे 2 चम्मच। तेल गर्म हो गई है, इसमें हम जीरा राई डालेंगे, इसे तड़कने देंगे। प्याज डालेंगे, इसे भूनेंगे थोड़ी देर के लिए। प्याज हल्का ब्राउन हो गया है, यहाँ पे हमने लहसुन मिर्चा अदरक का पेस्ट लिए हैं, इसे भी डालेंगे और इसे भूनेंगे 2 मिनट के लिए। भूनेंगे, हल्दी पाउडर लाएंगे, मिर्च लहसुन सब भून गया है। मसाला डालेंगे घर का बना हुआ, चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा। इन सभी को भुनेंगे, सभी मसाले भुन गए हैं। इसमें हम आलू डालेंगे, आलू को भुनेंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट हो गए हैं भुनते हुए, इसमें नमक डालेंगे। टेस्ट अपने टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए नमक। इसमें मिलाएंगे इसे, आलू को हमने 2 मिनट तक और भुन लिया है। इसमें हरे धनिया पत्ती डालेंगे, गैस को कर देंगे बंद। इसे ठंडा होने देंगे। आलू ठंडा हो गया है, इसे हम नींबू की तरह छोटा छोटा बॉल बनाएंगे इसका। देखिए इसी तरह हम सभी को बना के रख लेंगे। यहाँ पे हमने आलू का सभी नींबू की तरह बॉल बना लिए हैं, इसे हम साइड रखेंगे। यहाँ पे हमने जो सूजी घोले थे वो रेडी हो गया है, इसमें हम सोडा डालेंगे 1/2 चम्मच। इसे एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। इधर गैस ऑन करके अब पे साचा रख दिए हैं, इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे सभी। सभी खाने में हमने तेल डाल दिया, इसमें हम तिल डालेंगे सफेद वाला, आप चाहें तो राई भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम बेटर डालेंगे थोड़ा थोड़ा, 1/2 चम्मच। इसमें हम थोड़ा थोड़ा बेटर डाल दिए हैं, अब बॉल डालेंगे बीच में सभी खाने में। सभी में हमने आलू डाल दिए हैं बहुत, अब इसके ऊपर फिर बेटर को डालेंगे, ढक देंगे। सभी को हमने ऊपर से ढक दिया है, इसे हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो गया है, एक तरफ का सिक गया है, अब इसे हम पलट देंगे। सभी अप्पे को पलट देंगे, सभी को हम पलट दिए हैं। इसे 2 मिनट के लिए और बंद करके पकाएंगे। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ से हमने इसे सेक लिया है, अब इसे हमें प्लेट में निकालेंगे। देखिए हमने इसे प्लेटिंग कर दिया है, हमने आपको एक तोड़ के दिखाते हैं इसमें से। देखिए कितना टेस्टी, कितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी ऐसे टेस्टी लगेगा। आप सब समोसा कचौरी भूल जाएंगे, इसे आप जरूर बना के
खाइए, बच्चों को टिफिन में दीजिए, सुबह शाम के नाश्ते में बनाइए। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर जरूर देखिएगा।